अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैर हो, आप ही अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे कि लाइसेंस रिन्यूअल के लिए क्या क्या फॉरी करनी पड़ती है, क्योंकि तो बहुत दिनों से मैं अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना चाह रहा था। तो इत्तेफाकन मेरा दोस्त वो भी वापस आने वाला है सौविया, आपने उसको मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा। तो उससे मेरी डिस्कशन हुई तो वो कहने लगा यार मेरे भी अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट से याद आया तो भाई इसकी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो गई हैं। अब पहले वो जो लंबी लंबी फॉरियाँ लाइन वाइन जो भी सीन होते थे वो सब ख़त्म हो गया। आपको ऑनलाइन जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है और दैट्स इट। आपको टोकन मिल जाएगा, आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, आपका काउंटर नंबर सब ईच एंड एवरी थिंग वहाँ मैंशन हो जाएगा। तो आपने जस्ट अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ जाना है, और हाँ अपने टाइम पर पहुँचना है। अभी मैं जाऊँगा तो पता चलेगा के टाइम का जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है तब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अगर आप लेट हो गए तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर अरमान हमारे पास अभी थोड़ी देर में आने वाला है, फिर हम लोग निकलेंगे। सो भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उन्होंने मेंशन की हुई थी कि भाई आपका फेस मास्क और हैंड ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको एंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो लेट्स सी जाते हैं तो पता चलता है, अरमान आ जाए तो फिर इंशाल्लाह हम निकलते हैं भाई। तो फाइनली मैं जो आ गया हूँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लाइसेंस ऑफिस, सख्ती है बहुत ज़्यादा तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता नहीं पाऊँगा, दिखा नहीं पाऊँगा सॉरी। और इत्तेफाक से मैं अकेला आया हूँ, अरमान साहब ने करा दिया टोपी, उन्होंने ना फ़ोन उठाया और ना कोई रिस्पॉन्स किया। खैर इंडियन में अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाकर वापस आऊँगा तो फिर आपको अपडेट करूँगा क्या क्या प्रोसीजर हुआ। तो भाई सीन कुछ यूँ है कि मैंने अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया है और ऑलमोस्ट मैं ऑन द वे हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अंदर का तो मैं आपको बता नहीं सकता था क्या क्या हुआ, मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा। तो मैंने मुझे मेरी पर्ची मिल गई है, 10 डेज़ बाद मुझे मेरा लाइसेंस मिलेगा। सो वेलकम बैक गाइज, जैसे कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि मैं जो हूँ आज अपना लाइसेंस रिन्यूअल के लिए देने जा रहा हूँ। सो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको मैंने ये भी बताया था कि अरमान मेरे साथ जाएगा, एज़ यूजुअल टोपी आ गई उनकी और अच्छा हुआ वो नहीं आया मेरे साथ और मैंने अपना काम बहुत ईजली कर लिया। सो गाइस कुछ बात कर लेते हैं पॉलिसीज़ और प्रोसीजर की। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट चेंज तो इनका ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट था जो बहुत अच्छा था, फौरी से बिल्कुल कोई मसला नहीं, कोई फौरी नहीं है, ईज़िली आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, कोई फौरी नहीं करनी। सो पहला स्टेप ये था कि मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया था। आज उनका सेकेंड स्टेप ये था कि मैं अपने काउंटर पर जाऊँ, अपने काउंटर पर अपनी डिटेल्स बताऊँ, अपना टोकन नंबर बताऊँ, वही किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा टोकन नंबर वेरीफाई किया, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पर उन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दे दी जो मुझे आगे अंदर जाना था। अंदर एक लेडी थी, उन्होंने मेरा लाइसेंस, मेरा NIC सारी चीज़ें लीं और एड्रेस वेरीफाई किया, फ़ोन नंबर पूछा, फिर उन्होंने मुझे एक पे स्लिप बना के दे दी जो कि मुझे नेक्स्ट काउंटर पे सबमिट करानी थी। अब मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने सिर्फ अपनी पेमेंट दी है, उन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दे दी है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर था मेरी पिक्चर, मैं अगले रूम में गया, उन्होंने मेरी पिक्चर खींची है। देन मेरा अगला स्टेप था कि मुझे अपना जो मेडिकल करवाना था, मैं मेडिकल रूम में गया, उन्होंने मेरा मेडिकल किया है और माशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप था उन्होंने मुझे एक स्लिप पे जो भी था उनका लिखना उठना जो भी था वो उन्होंने लिख के स्टेपल करके मुझे दे दिया और उन्होंने बोला कि अगले काउंटर पे जाके सबमिट करा दो। अब मैं अपने अगले काउंटर पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे अपनी सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए, इवन मेरा जो एक्सपायर्ड लाइसेंस था वो भी उन्होंने रख लिया और उन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दे दी है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कि मुझे 10 दिन बाद मेरा लर्निंग परमानेंट लाइसेंस मुझे वापस मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा, पूरी एक जर्नी बहुत अच्छी रही। बाकी वीडियोस इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि सख्ती थी। सो गाइस को खुशी हुई देखकर पाकिस्तान में ये चेंजेस, और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि कोई ख्वारी नहीं हुई, बहुत अच्छा प्रोसीजर था, ईजली हैंडल था, कोई मसला नहीं था। आप जाएँ अपना अपॉइंटमेंट लेके जाएँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। सो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीड योर सपोर्ट गाइस, बाय बाय।